वेलकम बैक टू मालविया कैड सॉल्यूशन। आज हम कीवे वाइस की असेंबली क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पे सारे पार्ट हम एक ही जगह पे असेंबल करेंगे, तो वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखिए किस तरह से कौन से मेट कहाँ पे यूज हो रहे हैं और कौन सा पार्ट किस पोजीशन पे हम सेट कर रहे हैं, वो आप एंड तक देखिए, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक असेंबली क्रिएट कर ली है। इसमें हम इंसर्ट कंपोनेंट में जाएंगे। इंसर्ट कंपोनेंट में जाने के बाद यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसे ओपन करेंगे। इस तरह से हम ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए एक आई बटन है। आई बटन में जाके यहाँ पे ओरिजिन को एक्टिवेट करना है। ओरिजिन को एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे इन दोनों ओरिजिन पॉइंट को मिला देना है और ये इस तरह से सेट हो जाएगा। फिर से आई वाले बटन को सिलेक्ट करना है और इसके ड्रॉप डाउन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए व्यू ओरिजिन शो हो रहा है, इसे ऑफ कर देना है। इसका बैकग्राउंड हम प्लेन वाइट कर देते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट कंपोनेंट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए पार्ट टू, इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस पार्ट को रोटेट करके इसकी पोजीशन सेट कर देते हैं हम। फिर मेट में जाना है हमें। मेट को सिलेक्ट करने के बाद हमें फर्स्ट वाले पार्ट की आउटर फेस को सिलेक्ट करना है और पार्ट टू के इनर फेस को सिलेक्ट करना है। मेक रिलेशन कोइंसिडेंट और ओके करना है। फिर आपको इस फेस को सिलेक्ट करना है और इस फेस को सिलेक्ट करना है। देखिए ये इस तरह से सेट हो जाएगा। ये स्लाइड यहाँ पे इसकी पोजीशन पे सेट हो गई है और इसे ओके करके क्लोज कर देना है। अब हम इसका थर्ड पार्ट इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट कंपोनेंट पार्ट थ्री ओपन। इसे भी हम रोटेट करके इसकी सही पोजीशन सेट कर देंगे। सिलेक्ट मेट, सिलेक्ट आउटर फेस एंड सिलेक्ट इनर फेस। तो देखिए इस तरह से ये भी हमारा जो फर्स्ट वाला जॉ था वो सेट हो गया है। अब इसके दूसरे जॉ को इंसर्ट करेंगे हम पार्ट फोर। रोटेट कंपोनेंट, इसमें लेफ्ट हैंड साइड के थ्रेड है जो की डिजाइन सेम है लेकिन अंदर वाले जो थ्रेड है वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के है। सिलेक्ट मेट, सिलेक्ट दिस फेस एंड सिलेक्ट दिस फेस। इन दोनों फेस को सिलेक्ट करने के बाद मेक रिलेशन कोइंसिडेंट और ओके, इसे क्लोज कर देना है। तो देखिए दोनों जो हमारे यहाँ पे सेटिंग हो गए हैं। इस तरह से इसकी पोजीशन सेट कर देते हैं हम। अब हमारे फिफ्थ वाले पार्ट को इंसर्ट करना है। जॉ प्लेट ओपन। रोटेट, इस तरह से हम इसे रोटेट कर देते हैं। मेट में जाने के बाद इस जॉ की फेस को सिलेक्ट करना है
और इस जॉ प्लेट की बॉटम फेस को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। जॉ के इस फेस को, अंदर वाली फेस को सिलेक्ट करना है और जॉ प्लेट की इस फेस को सिलेक्ट करना है। अब हमें इस होल को सिलेक्ट करना है और जॉ के इस होल को सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन कोसेंट्रिक और ओके करना है। तो हमारी एक प्लेट यहाँ पे सेट हो गई है। सिंपली हमें इसे कॉपी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, होल्ड कंट्रोल की और लेफ्ट क्लिक की मदद से इसे ड्रैग कर देना है इस तरह से, तो ये कॉपी हो जाएगा। इसे रोटेट कर देते हैं हम। सिलेक्ट मेट, सिलेक्ट दिस फेस एंड सिलेक्ट दिस फेस। फिर से हमें होल सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन कोसेंट्रिक और ओके करना है। तो दोनों जो अपनी पोजीशन पे, इसकी जॉ प्लेट और जॉ दोनों सेट हो गए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्रू को इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये सिक्स वाला पार्ट, ये बेस जो है, इसे इंसर्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट मेट, सिलेक्ट मेट करने के बाद यहाँ पे देखिए हमने जो पार्ट इंसर्ट किया है इसको ओपन करना है। सिक्स वाला पार्ट है जो, उसे ओपन करना है और यहाँ पे देखिए सिलेक्ट फ्रंट प्लेन। फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद हमारा पार्ट टू है, इसे ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद इसका टॉप प्लेन सिलेक्ट करना है। इसका अलाइनमेंट हमें फ्लिप साइड में रखना है और ओके करना है। सिलेक्ट दिस डायमीटर एंड सिलेक्ट दिस होल। इस फेस को सिलेक्ट करना है और इस फेस को सिलेक्ट करना है। इस वाले होल को सिलेक्ट करने के बाद इस वाले होल को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। तो देखिए इस तरह से ये वाला पार्ट भी सेट हो गया है यहाँ पे। अब हमें सेवन वाला पार्ट इंसर्ट करना है, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड का थ्रेड वाला स्क्रू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे हम। सिलेक्ट मेट, इस होल को सिलेक्ट करना है और स्क्रू के डायमीटर को सिलेक्ट करना है। वाइस की इस टॉप फेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्क्रू की टॉप फेस को सिलेक्ट करना है और इसका डिस्टेंस रखना है हमें 28 mm और ओके करना है। अब हम इसके थ्रेड का मेट सेट करेंगे। तो मेट में जाना है, मेट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड के
जस्ट बाजू में मैकेनिकल मेट है, इसे सिलेक्ट करना है। मैकेनिकल मेट में जाने के बाद यहाँ पे स्क्रू है, स्क्रू को सिलेक्ट करना है। स्क्रू को सिलेक्ट करने के बाद देखिए इस थ्रेड की जो आउटर फेस है इसे सिलेक्ट करना है, और जॉ के जो नट जॉ के अंदर जो जो थ्रेड है उसकी इनर एज को सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे एक एरो आ गया है, बट ये रिवर्स नहीं है, इसके इसके थ्रेड राइट हैंड साइड है, तो हम राइट हैंड साइड यहाँ पे अनचेक कर देंगे रिवर्स को। और यहाँ पे पिच इसकी है 2 mm, 16x2 mm के ये थ्रेड हमने क्रिएट किए थे, तो यहाँ पे इसकी पिच 2 mm मेंशन कर देनी है या यहाँ पे एंटर कर देनी है और ओके करना है। अब फिर से हमें मैकेनिकल मेट में जाना है, स्क्रू। इस बार क्या करना है हमें, ये लेफ्ट हैंड साइड के थ्रेड है इसकी एज को सिलेक्ट करना है, आउटर एज को, और नट के इनर एज को सिलेक्ट करना है, इनर फेस को सिलेक्ट करना है। और ये रिवर्स थ्रेड है तो इसको रिवर्स में रिवर्स टिक कर देना है, और यहाँ पे 2 mm इसके थ्रेड की पीछे और ओके करना है। तो इस तरह से हमारा ये वाला मैकेनिकल मैट भी सेट हो गया है। इसको हम रोटेट करके देखते हैं, ये देखिए दोनों जो एक साथ वर्क कर रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं। जो नीचे वाला जो है वो ऊपर आ रहा है और ऊपर वाला नीचे जा रहा है। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट इंसर्ट करते हैं। अब ये प्लेन स्क्रू है, इसको ओपन करते हैं हम। सिलेक्ट मेट, सिलेक्ट मेट करने के बाद यहां पे देखिए इस होल को सिलेक्ट करना है और स्क्रू के इस डायमीटर को सिलेक्ट करना है, कोसेंट्रिक रिलेशन, फेस को सिलेक्ट करना है और इसकी टॉप फेस को सिलेक्ट करना है। इसका भी डिस्टेंस हम सेट करेंगे 28 mm और ओके करना है। सिलेक्ट मेट, मैकेनिकल मेट, स्क्रू, स्क्रू की आउटर एज को या आउटर फेस को सिलेक्ट करना है, और नट की अंदर वाली जो फेस है इनर फेस इसे सिलेक्ट करना है। इसे भी रिवर्स जो है इसे अनटिक कर देना है क्योंकि ये राइट हैंड साइड थ्रेड है और इसकी भी पिच 2 mm है। इसका भी मैकेनिकल मैट हमने सेट कर दिया है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से राइट हैंड साइड में हम इसको रोटेट करेंगे तो ये देखिए नीचे जा रही है स्लाइड, और इसे लेफ्ट हैंड साइड की में रोटेट करेंगे तो देखिए ऊपर आ रही है। मतलब कि हमारा जो मैट हमने सिलेक्ट सेट किया है वो सही है। इंसर्ट,
यहाँ पे इसके लॉक हम सेट कर देते हैं ये बूस्ट को, मेट सिलेक्ट दिस डायमीटर एंड सिलेक्ट दिस डायमीटर। Select this face and select this face. Select this hole and this hole. इस मेट को हम डिलीट करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे होल इस होल जो होल है यहाँ पे इसका मेट सिलेक्ट किया है हमने, क्योंकि वो कोसेंट्रिक रिलेशन है, इसलिए ये मेट यहाँ पे अंडर डिफाइन बता रहा था, इसलिए इसको डिलीट कर दिया हमने। तो इंसर्ट कंपोनेंट में ड्रॉप डाउन में हम जाएंगे और कॉपी विथ मेट इस पार्ट को सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट इस डायमीटर को सिलेक्ट करना है और इस होल को सिलेक्ट करना है, ओके। होल कंट्रोल की दबा के हमें इसको ड्रैग कर देना है तो इसकी कॉपी हो जाएगी। रोटेट, उसको रोटेट कर देते हैं हम, सिलेक्ट मेट, उसके होल को सिलेक्ट करना है और स्क्रू के डायमीटर को सिलेक्ट करना है। Select this face and this face. Reverse. अब हमने अभी जो कोइंसिडेंट मेट क्रिएट किया है उसे डिलीट कर देते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमें होल का मेट सिलेक्ट करना है। तो फिर से मेट में जाएंगे, मेट में जाने के बाद इस होल को सिलेक्ट करना है, स्क्रू के होल को और बूस के होल को सिलेक्ट करना है। फिर से इंसर्ट कंपोनेंट ड्रॉप डाउन, कॉपी विथ मेट, इस तरह से ये देखिए इसके जो लॉक बूस है वो सेट हो गए, हमने सेट कर दिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब बोल्ट फिट करेंगे, इसके जो बोल्ट है। तो आपको बोल्ट डिज़ाइन लाइब्रेरी में जाना है, आपको टूल बॉक्स, टूल बॉक्स में जाने के बाद यहाँ पे देखिए अनसिमेट्रिक बोल्ट, हेक्स बोल्ट,
हैक्स हेड, और यहाँ पे फॉर्म हैक्स स्क्रू, इसमें आपको 8 mm साइज है इसकी, वॉशर फेस, और इसकी लेंथ है 12 mm, सिमेट्रिक थ्रेड, और ओके करना है। देखिए इस तरह से ये बोल्ट यहाँ पे सेट हो गए हैं। इस वाले बोल्ट को डिलीट कर देना है हमें। इसी तरह से फिर से यहाँ पे बॉटम में भी हमें सेट करने हैं बोल्ट, 8 mm वॉशर फेस, 12 mm, और थ्रेड इसके है सिमेट्रिक। अब हम यहाँ पे स्लाइडर के साइड में हम बोल्ट सेट करेंगे। तो फिर से डिजाइन लाइब्रेरी में हमें जाना है, बोल्ट यहाँ पे एंटर करना है, और इसकी साइज रखनी है 6 mm। यहाँ पे चैम्फर, और यहाँ पे इसकी लेंथ रहेगी 16 mm, थ्रेड लेंथ 16 mm, इसके थ्रेड सिमेट्रिक, एंड ओके। इसकी सही तरीके से पोजीशन हमें सेट कर देनी है, फिर ऑटोमेटिक ये लोकेट हो जाएगा। इस तरह से देखिए एक एक करके आप यहाँ पे सेट कर दीजिए। एस्केप की करके इसे हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और इसे डिलीट करना है। तो देखिए इस तरह से हमारा ये वाइस पूरा क्रिएट हो गया है।
बहुत ही देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक एक पार्ट हम बना रहे थे तब ऐसा लग रहा था ये पार्ट कहाँ सेट होने वाले हैं, कैसे होंगे। तो वो जब असेंबल होता है तभी कोई भी पार्ट या कोई भी कंपोनेंट या कोई भी प्रोजेक्ट अच्छा लगता है। यहाँ भी बोल्ट सेट कर देते हैं हम। इसकी साइज 10 mm है, 10 बाय इसकी लेंथ रहेगी 25 mm। थ्रेड सिमेट्रिक और ओके करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, डोयल पिन हमें सेट करनी है। डोयल पिन सेट करने के लिए फिर से डिज़ाइन लाइब्रेरी में जाएंगे। डिज़ाइन लाइब्रेरी में जाने के बाद हमें यहाँ पे देखिए आईएसओ है, इसमें जाना है। आईएसओ में जाने के बाद यहाँ पे पिन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए पैरेलल पिन है। पैरेलल में जाने के बाद आपको ये हार्ड पिन है इसको इंसर्ट करना है इस तरह से। और इसकी साइज 5 mm, लेंथ 26, टाइप ए एंड ओके। तो हमने यहाँ पे 4 पिन इंसर्ट कर ली है। अब मेट में जाना है हमें। मेट में जाने के बाद यहाँ पे इस होल को सिलेक्ट करना है और इस पिन को सिलेक्ट करना है। ओके, एडवांस मेट में जाना है। एडवांस मेट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए विड्थ इसकी सिलेक्ट करना है और पिन की दोनों फेस को पहले सिलेक्ट करना है और सेकंड बूस्ट को सिलेक्ट करना है। ये देखिए सेंटर में ये पिन सेट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इस पिन को डिलीट कर देते हैं हम। 1, 2 एंड 3। हमने डिलीट क्यों किया इस पिन को, कि हम यहाँ पे देखिए इनसाइड कंपोनेंट में जाके कॉपी विथ मेट का यूज़ करने वाले हैं। तो हम कॉपी विथ मेट का यूज़ कैसे करेंगे, इस पिन को सिलेक्ट करना है पहले, फिर इस एरो की को प्रेस करना है। और यहाँ पे ये पूछ रहा है आपने पहले मेट क्या सिलेक्ट किया था, जो हमने पहले मेट क्या सिलेक्ट किया था, ये वाला होल सिलेक्ट किया था और इस आउटर एज को सिलेक्ट करना है। तो देखिए ये पिन भी सेट हो गई है, सिंपली इसे ओके करना है। फिर नेक्स्ट वाले बूस पे आना है हमें, फिर से होल सिलेक्ट करना है और इसका डायमीटर सिलेक्ट करना है, फिर से ओके करना है, फिर से होल सिलेक्ट करना है और डायमीटर सिलेक्ट करना है और ओके करना है। अब इसे क्लोज कर देते हैं। देखिए इस तरह से हमारा पूरा वाइस कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें 2 पार्ट बाकी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये देखिए यहाँ पे गैप बता रहा है, ये
यहाँ पे स्लाइडर पाउच जो प्लेट आती है वो लगानी पड़ेगी। तो क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इंसर्ट कंपोनेंट के ड्रॉप डाउन में जाएंगे और यहाँ पे न्यू पार्ट, न्यू पार्ट पे सिलेक्ट करना है हमें। न्यू पार्ट पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे टॉप प्लान एंड स्केच, लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे। फीचर में जाएंगे और एक्सट्रूड बॉस बेस एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे मिड प्लेन अप टू सरफेस, तो अप टू सरफेस में हमें क्या करना है, इस वाले फेस को सिलेक्ट करना है। फिर डायरेक्शन टू, डायरेक्शन टू में भी हमें अप टू सरफेस बॉटम फेस को सिलेक्ट करना है और ओके करना है। देखिए यहां पे पाउच प्लेट क्रिएट हो गई है, देखिए यहां पे गैप भी बंद हो गया है। यहां तो इस पार्ट का हम नाम दे देते हैं रीनेम करके, इसका रीनेम पाउच प्लेट वन। फिर से हमें इंसर्ट कंपोनेंट ड्रॉप डाउन में जाना है और न्यू पार्ट, न्यू पार्ट करने के बाद यहां पे फिर से टॉप प्लान सिलेक्ट करना है लाइन टूल एक्टिवेट करेंगे। फीचर में जाना है एक्सट्रूड बॉस बेस, अप टू सरफेस, सरफेस इस सरफेस को सिलेक्ट करना है और डायरेक्शन टू, डायरेक्शन टू में भी अप टू सरफेस बॉटम वाली इस फेस को सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। देखिए यहाँ पे दोनों पाउच स्लाइडर, स्लाइडर की जो पाउच प्लेट है वो तैयार हो गई है। इसे भी हम रीनेम, इसका भी रीनेम कर देते हैं हम पाउच प्लेट टू। अब इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इसका अपीयरेंस अप्लाई कर देते हैं हम मेटल पॉलिश स्टील। तो हमारी असेंबली क्रिएट हो गई है, सारे मेट वगैरह सारे पार्ट एक जगह पे असेंबल हो गए हैं।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्रोजेक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कुछ नया और यूनिक डिज़ाइन लेके। तब तक के लिए जय हिंद।